अस्सलाम वालेकुम दोस्तों अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे स्पेन के ई यू कार्ड पर क्या हम नारवे में काम कर सकते हैं इस पर काफ़ी दोस्तों की तरफ से कमेंट आया है तो यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि चांद एक ममालक हैं जिन्होंने इस कानून को फॉलो नहीं किया ख़ास तौर पर मैं चंद एक के ममालक में नार्वे का आयरलैंड का स्विट्ज़रलैंड का जिक्र करूँगा इन्होंने शिजन स्ट्रीट के बाकी तमाम लॉज को फॉलो किया है लेकिन इसमें उन्होंने एक दो चीज़ें जो हैं वो फॉलो नहीं कि और ख़ास तौर पर इन्होंने फॉलो करने की बड़ी वजह ये है कि ये इकनॉमिकली जो रेड जो, जो, जो जोन है यूरोपीय यूनियन का उसको इन्होंने तमाम रूल फॉलो किए ताकि फ्री ट्रेड की जा सके लेकिन इसके अलावा जो कवानीन थे वो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किए उस एग्रीमेंट पे साइन नहीं किया जिसकी वजह से हम अगर दूसरे शंजन स्टेट के लोग नार्वे में जाना चाहते हैं तो वहाँ पे जाके हम अपने ई यू कार्ड पर काम नहीं कर सकते ये चीज़ याद रहे कि नारवे ने जो शंजन स्टेट है इसका इकनॉमिक जो कॉमन जोन है उसके रूल और रेगुलेशन को एक्सेप्ट किया है साइन किया है एग्रीमेंट किया है इसके अलावा जो इमिग्रेशन से रिलेटेड कवानीन है वो इन्होंने एग्रीमेंट में साइन नहीं किए जिसकी वजह से किसी भी शंजे स्टेट का कोई कोई भी इमिग्रेंट जो है जिसके पास पी आर है और वो ई यू कार्ड कन्वर्ट करवाता है और उसके बाद चाहता है कि मैं नारवे में जाके काम करूं तो वो नहीं कर सकता नारवे इसको एक्सेप्ट नहीं करता मासवाई नेशनली ये अगर आपके पास यूरोपीय यूनियन या किसी शंजन स्टेट की नेशनैल्टी है तो फिर ही अलाउ करता है नारवे आप वहाँ पर काम कर सकें अदरवाइज़ वो अलाउ नहीं करता मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ अल्लाह हाफिज़